हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज सुजीत एंड यू आर वाचिंग यूट्यूबर सुजीत यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बच्चों से रिलेटेड, मतलब कि बच्चों से इंग्लिश में कैसे बात करें उनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होने वाली है अगर आप पेरेंट्स और आपके बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हो। क्योंकि अभी लॉकडाउन के जरिए अभी स्कूल नहीं खुल रही है, तो घर पर ही कुछ इनको इंटरेस्टिंग सिखाया जाए और आप भी सीख सकते हैं और आपके बच्चे भी सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और उनके साथ ये यूज़ कीजिए फ्रेंड्स। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का पहला सेंटेंस है हमारा कम हियर। कम हियर, कम हियर का मतलब होता है फ्रेंड्स यहां आओ। कम हियर का मतलब होता है यहां आओ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, गो देयर। गो देयर का मतलब होता है फ्रेंड्स वहां जाओ, गो देयर, ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा डोंट गो देयर। डोंट गो देयर का मतलब होता है फ्रेंड्स वहाँ मत जाओ। अगर आपका आपका चाइल्ड कहीं जा रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं प्लीज बेबी डोंट गो देयर, प्लीज बेबी डोंट गो देयर। ऑल राइट, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वेरी नाइस, थैंक यू। सो मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा फ्रेंड्स लुक हियर। लुक हियर का मतलब होता है यहाँ देखो, ठीक है। लुक हियर मैक्सिमम पेरेंट्स जो होते हैं यूज़ करते हैं इसको, यहाँ देखो बेटा यहाँ देखो। तो आप बोल सकते हैं लुक हियर बेबी, लुक हियर बेबी, लुक हियर बेबी। ऑलराइट, तो आपका बच्चा भी आपके साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, वो समझने की कोशिश करेगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है लुक एट द पिक्चर। लुक एट द पिक्चर, आपको किसी डायरेक्शन में दिखाना है तो आप बोलेंगे लुक एट द पिक्चर। फिर आप बोल सकते हैं लुक एट द मोबाइल, फिर आप बोल सकते हैं लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। फिर बोल सकते हैं लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो। अगर आप टीचर हो तो आप बोल सकते हैं लुक एट द बोर्ड। ऑलराइट, सो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, ठीक है, और ये सेंटेंसेस। नेक्स्ट, प्लीज़ स्विच ऑफ योर मोबाइल। प्लीज़ स्विच ऑफ योर मोबाइल, अगर आपका बच्चा, आपका चाइल्ड जो है मोबाइल को ऑपरेट कर रहा है, गेम्स खेल रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं स्विच ऑफ योर मोबाइल, प्लीज़ स्विच ऑफ योर मोबाइल, ठीक है। तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ कर लो, ठीक है, वो मोबाइल उनका नहीं रहता, आपका ही रहता है, पर आप बोल सकते हैं स्विच ऑफ योर मोबाइल, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलराइट, वेरी नाइस। नेक्स्ट, स्विच ऑन द टेलीविज़न। अगर आपको टेलीविज़न देखना है तो आप बोल सकते हैं स्विच ऑन द टेलीविज़न, स्विच ऑन द टेलीविज़न, स्विच ऑन द टेलीविज़न। इसको रिपीट कीजिए फ्रेंड्स, जितने टाइम रिपीट करेंगे आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ओके, स्विच ऑन द टेलीविज़न। नेक्स्ट है गो टू हेल। गो टू हेल, गो टू हेल का मतलब होता है, इसको एंग्री में बोला जाता है, मतलब एक आपके चेहरे पर एक एंग्री का एक्सप्रेशन रहेगा। प्लीज़ गो टू हेल, प्लीज़ गो टू हेल, कृपया आप जाओ, भाड़ में जाओ, इसको गो टू हेल को ऐसा बोलते हैं, प्लीज़ भाड़ में जाओ। अगर आपकी कोई बात सही नहीं सुन रहा है तो आप बोल सकते हैं प्लीज़ गो टू हेल, प्लीज़ गो टू हेल। ऑल राइट, सो इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा फ्रेंड्स गो इमीडिएटली। गो इमीडिएटली, गो इमीडिएटली मतलब फ्रेंड्स तुरंत जाओ, तुरंत किसी काम के लिए अर्जेंट आपको जाना हो तो प्लीज़ गो इमीडिएटली, गो इमीडिएटली, गो इमीडिएटली। ऑल राइट, तो आप इसको यूज़ कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है डोंट सिट हियर। डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो, और डोंट सिट देयर, वहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो। डोंट सिट हियर, डोंट सिट देयर, डोंट सिट हियर बोल सकते हैं फ्रेंड्स, मैक्सिमम टाइम इसका यूज़ होता है। चलिए, वेरी नाइस। आज की तरफ, आज का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट डिस्टर्ब मी। डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी फ्रेंड्स, मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है, इसको अभी यूज़ कर सकते हैं आप। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। डोंट वरी, डोंट वरी तो इतना कॉमन हो गया फ्रेंड्स, जो कोई भी है उसको यूज़ करता है, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। ऑलराइट, तो आप भी यूज़ कीजिए डोंट वरी, बहुत ही कॉमन है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा स्टॉप देयर, वहाँ रुको। स्टॉप देयर, वहाँ रुको। स्टॉप हियर, यहाँ रुको। स्टॉप देयर, वहाँ रुको। स्टॉप हियर, यहाँ रुको। वेरी नाइस, चलिए आपने ये भी सीख लिया होगा। नेक्स्ट, स्टॉप टॉकिंग, बातें करना बंद करो। स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग का फ्रेंड्स मतलब होता है बातें करना बंद करो। इसी की तरह आप टॉकिंग हटा के बोल सकते हैं स्टॉप प्लेइंग। अगर आपका चाइल्ड प्ले कर रहा है और उसको बोलना है आपको प्लस खेलना बंद करो, प्लीज स्टॉप प्लेइंग, प्लीज स्टॉप प्लेइंग। ऑलराइट, नेक्स्ट की तरफ करते हैं। स्टॉप स्टॉप जंपिंग, आप बोल सकते हैं स्टॉप जंपिंग बेबी। अगर आपका बेबी जंप कर रहा है तो आप बोल सकते हैं स्टॉप, स्टॉप जंपिंग, स्टॉप जंपिंग, स्टॉप जंपिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओपन द डोर, ओपन द डोर, ठीक है। अगर आपका चाइल्ड घर के अंदर है और
हल्का सा भी बंद है तो दरवाज़ा बोल सकते हैं ओपन द डोर बेबी, ओपन द डोर। और आपको डोर को क्लोज करना है तो उसको बोल सकते हैं क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। ऑलराइट, थोड़ा यू नो बेबी बड़ा हो आपका 10 इयर्स का 8 इयर्स का तो बोल सकते हैं ओपन द डोर और क्लोज द डोर। ऑलराइट, नेक्स्ट डोंट गो आउटसाइड, डोंट गो आउटसाइड। डोंट गो आउटसाइड मतलब कि बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड। ऑलराइट फ्रेंड्स, डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ, ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गिव मी मोबाइल, गिव मी मोबाइल, मुझे मोबाइल दो। ओके फ्रेंड्स, क्या बोल सकते हैं, गिव मी मोबाइल, मुझे मोबाइल दो। ऑलराइट, गिव मी मोबाइल, गिव मी मोबाइल, इसको रिपीट कीजिए फ्रेंड्स। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज का फ्रेंड्स क्या मतलब होता है कि अपनी जबान को संभालो या अपनी जबान को लगाम दो, ऐसा बोलते हैं ना आप, तो माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, अपनी जबान को संभालो या अपनी जबान को लगाम दो। तो फ्रेंड्स, आज के ये सेंटेंसेस कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में बताइए और ज़रूर इनको यूज़ कीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपकी थोड़ी सी कम्युनिकेशन बेटर हो सके इंग्लिश के यू नो माध्यम से। तो आपका ये सेशन बहुत ही बेटर रहेगा, आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और आपकी इमेज भी बहुत बढ़ेगी अगर कहीं पर भी आप इनका यूज़ करोगे तो। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए सेंटेंसेस के साथ। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू सो मच गाइज़।